नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्स का फर्टिलाइजेशन परसेंटेज निकालने का तरीका सिखाने वाला हूं या दिखाने वाला हूं। दोस्तों, क्या होता है, हम लोग जब मछली को ब्रीडिंग कराते हैं तो मछली को ब्रीडिंग कराने के बाद जार में या फानेल में डालना होता है। इस फानेल में 24 घंटा बाद इस बच्चा जो है वो हैच होकर निकलने लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि ये जार में कितना बच्चा हो सकता है। तो आज आपको ये सारा चीज़ जानने को मिलेगा, किस तरह से आप इसको मैनुअली परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं। आमतौर पे देखा जाता है, लोग जिनके पास तजुर्बा है वो जार में देखते हैं, अंडे को देखते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि कितना परसेंट बच्चा हो सकता है। लेकिन नया जो है उनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको मैनुअली भी इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका जो है वो दिखाऊँगा। इस जार को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें जो अंडा है वो ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपेरेंट अंडा आपको दिखेगा, जो खाली आंखों से दिख ही नहीं रहा है। यानी जो ट्रांसपेरेंट अंडा है और उसके अंदर न्यूक्लियस है वो ही अच्छा अंडा माना जाता है। जो थोड़ा ब्लर या थोड़ा मोटा टाइप का अंडा है वो दिख रहा है, तो ये अंडा का जो परसेंटेज है वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जितना आपको क्लियर अंडा दिखेगा जार में, न्यूक्लियस ज़्यादा दिखेगा तो उतना अच्छा है। पहले वाला जार से अगर इस वाला जार में मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ब्लर अंडा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी मोटा खोल वाला अंडा बहुत ज़्यादा दिख रहा है और इसमें ट्रांसपेरेंट अंडा जो है बहुत ही कम है। इसका मतलब है इसमें फर्टिलाइजेशन ख़राब है। यही एक आसान सा तरीका है इसका फर्टिलाइजेशन देखने के लिए। और मैनुअली आप अगर इसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी हाथ में कुछ मछलियाँ उठा लिया, यहाँ पे देखिए अंडा को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3-4 अंडे में ही बच्चा दिख रहा है, बाकी अंडे में तो बच्चा दूर की बात है, न्यूक्लियस भी नहीं है। इस तरह से अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो 100 अंडा का एक हिसाब कर सकते हैं। 100 अंडा हाथ में लेते हैं तो उसमें अगर 4 अंडे में बच्चा दिख रहा है तो इसका परसेंटेज आपको 4 आएगा। अगर 10 अंडा में दिख रहा है तो परसेंटेज आएगा 10%। हाथ में तो सारा अंडा नहीं आएगा, 100 का 100 अंडा नहीं आ सकता है। इसके लिए हो सकता है 10 अंडा आपके हाथ में आ जाए, तो उसमें अगर 2-4 अंडा है तो उसको उसी हिसाब से आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो पहले वाला जो जार था उसमें आप देखे थे 7-8 अंडे में 3-4 अंडा ही जो है वो हैच होने का लाइन पे था। और इस जार में देखिए, ये जार जो है ट्रांसपेरेंट बहुत ज़्यादा था और इसमें न्यूक्लियस भी काफ़ी अच्छा है। और ध्यान से अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि 100% जो है फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं उंगली का हिसाब से हिसाब करूं तो अगर इसमें देखिए, जो जितना अंडा मेरे हाथ में आया है सब के सब अंडे के अंदर बच्चा घूम रहा है, हिलडुल रहा है। तो इस तरह से अगर मैं हिसाब करूं तो इसका फर्टिलाइजेशन जो है वो मैं 100% पकड़ सकता हूँ। हो सकता है हाथ में खराब अंडा ना आए, लेकिन जार में देखने से तो 2-4 अंडा खराब दिख ही सकता है। तो उसी हिसाब से मैं इसका परसेंटेज जो है वो ग्रेडिंग कर सकता हूँ। और मैं और एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने जो ख़राब जार था इसको देखिए और जो अच्छा जार है जिसमें ट्रांसपेरेंट अंडा है और ज़्यादा है उसको दिखाता हूँ। तो इसमें पहले मैं थाली से इसको दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो बच्चा का जो परसेंटेज है, हैचिंग का परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा है, बच्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और खराब अंडा का परसेंटेज अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरे हिसाब से 1-2% होना चाहिए। यानी इसका परसेंटेज रेट जो है 98% से 99% है। अगर मैं बगल वाला जार को आपको इस थाली से भी दिखाऊं तो आप जो जिसका अंडा का खोल बहुत मोटा था तो आप देख सकते हैं इसमें अंडा बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी इसमें लगभग मेरे हिसाब से 80% जो है वो फर्टिलाइज है, 20% ख़राब हो सकता है। और इसमें बच्चा का संख्या भी बहुत ही कम है, यानी इसका फर्टिलाइजेशन और परसेंटेज दोनों ही बहुत ख़राब है। तो इसी तरह से बहुत आसानी से इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और आप कुछ दिन काम करोगे तो आपके पास तजुर्बा हो जाएगा, आप देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा परसेंटेज कितना है। ये जार जो देख रहे हो आप, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा अंडा जो है वो ट्रांसपेरेंट है और इसमें बच्चा का संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है। इसमें मैं पकड़ सकता हूँ इसमें 99% जो है वो हैचिंग हुआ है। तो यही टेक्निक है जिससे आप बहुत आसानी से मैनुअली भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका जार में कितना बच्चा हो सकता है। तो गाइस, यही तरीका में आप अप्लाई करें अगर आपने है तो। तो गाइस, ये इस तरह का और जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।